हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का स्वागत है आज के अपडेट में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूज़ को लेकर और वेल वॉलेट्स की कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम बहुत ही गौर से देखने वाले हैं। ट्विटर के सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं बिटकॉइन को लेकर, और पिछली बार जो बेयर मार्केट आई थी उस समय ट्विटर के सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं, उन चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठोक देना रेड बटन होगा उसको। और अब हम चलते हैं नीचे डायरेक्टली। बिटकॉइन मार्केट का अगर जायज़ा लें तो आपको सिंपल बताता हूँ, 4 चार्ट्स हैं। BTC USDT में बहुत बुरा हाल हो रखा है हमारा, और यहाँ पर अभी हम इस एज ऑफ दिस वीडियो $21,000 के अराउंड चल रहे हैं। आज हम गए थे काफ़ी ऊपर और मैंने आपको एक ट्वीट डाल के दिया था, वो ट्वीट कौन सा था ज़रा देख लेते हैं। इस ट्वीट में मैंने आपको बताया था बिटकॉइन लुकिंग वीक, तो मैं बोल रहा था कि जो अपसाइड अप ट्रेंड चल रहा है, जो ऊपर की ओर जा रहे हैं हम, वो बहुत ही वीक है, उसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो अभी देखो मेरे सामने मार्केट गिर रही है, और यहीं साथ में यहाँ पे BNB गिर रहा है और उधर मैटिक गिर रहा है, और वहाँ पे एक्स अभी डॉट लगा था, उसको चेंज करना है मुझे, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि मार्केट में अगर वीकनेस है तो वो गिरेगी, टाइम बस दीजिए, आप पेशेंस रखिए, आराम से गिरती है, ठीक। तो दूसरी चीज़ है हार्मनी की जो न्यूज़ आई है। हार्मनी कहती है, पहले तो मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया कर लो, टेलीग्राम पे मैं आप लोग को जो भी वीडियोस देता हूँ तो वहाँ पर आपको अपडेट मिलती है, प्लस साथ ही साथ चार्ट दे रहा हूँ मैं आपको, वहीं पे चार्ट डाला हूँ, वहीं पे इंपॉर्टेंट अपडेट सब दे रहा हूँ टाइम टू टाइम जो मुझे देनी है। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत बुरा गिरने वाली है तो मैं आपको वहाँ पर अपडेट दे देता हूँ टाइम से। अगर मुझे कुछ ख़राब न्यूज़ मिलती है, कुछ अच्छी न्यूज़ मिलती है तो वहीं पर शेयर कर देता हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट अगर बात करें तो ये जो हार्मनी को लेकर आया है, हार्मनी टीम हैज़ आइडेंटिफाइड अ थेफ्ट अकरिंग दिस मॉर्निंग ऑन द होराइजन ब्रिज अमाउंटिंग टू अप्रॉक्स 100 million। वी हैव बिगन वर्किंग विद नेशनल अथॉरिटीज़ एंड फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट टू आइडेंटिफाई द कल्प्रिट एंड रिट्रीव द स्टोलन फंड्स। तो उसके नीचे इन्होंने एड्रेस दिया है कल्प्रिट का, उन्होंने कहा दिस डज नॉट इम्पैक्ट द ट्रस्टेड BTC ब्रिज। मतलब आप ब्रिज पर भरोसा करना मत बंद करिए, हैकर ने किसी तरह से निकाले। वो साफ साफ बोल नहीं रहे कि उनका बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ब्रिज बना हुआ है, इस वजह से उनका हैक्स को लेकर वल्नरेबल है। इसीलिए मुझे बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बने प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू इथेरियम पर बने हुए प्रोजेक्ट्स पर। तो ये आप समझ गए होंगे, बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर जितने प्रोजेक्ट बने उनमें हैक्स होते रहते हैं, बहुत कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पर हार्मनी जो है वो एक लेटेस्ट हो गया है, वहाँ पर BTC का ब्रिज यूज़ कर रहा था। कौन सा ब्रिज यूज़ कर रहा था आपका, यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बना हुआ था आई थिंक, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उसी पर है। तो दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो एक वेल वॉलेट एक्टिविटी हम देखेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन के ट्वीट्स देखेंगे, ट्वीट्स जो होते हैं हिस्टोरिकल, तो ट्विटर पर जो सेंटीमेंट है, देखिए आपको पता है पूरी क्रिप्टो की कम्युनिटी है, जो सेंटीमेंट वो ट्विटर से आता है क्रिप्टो में। तो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा जो ट्वीट्स आए थे वो आए थे पिछले साल मई में, और वो 3 लाख 3.5 लाख ट्वीट्स आए थे। किस दिन आए थे ये, मई में 2021 में आए थे, और उसके जस्ट बाद ये अमाउंट आया था नवंबर के पहले बुलरन के आसपास, तब भी ट्वीट सबसे ज़्यादा हो गए थे, 2,90,000 हो गए थे। फिर उसके बाद ये पीक आया था हमारा अप्रैल के क्रैश में, आई थिंक मार्च के क्रैश में, ठीक। उसके बाद अप्रैल में आया थे 3 लाख 3.5 लाख ट्वीट्स। अभी इस समय आप देखोगे, जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, और जूम कर देता हूँ, ये देखो ये ग्राफ कितना बुरा गिरा है नीचे की ओर, ठीक। और यहाँ पर जितने भी ट्वीट्स हैं ना, वो ट्वीट्स यहाँ पर 3 लाख से डायरेक्ट यहाँ पर गिर गए हैं, 43,000 ट्वीट्स पर डे हो रहे हैं। तो ये एक अमाउंट बताता है कि जो पूरी कम्युनिटी है ना, पूरी साइलेंट हो रही है धीरे धीरे। और जो नए नए लोग आते थे, पहले नए लोग आते हैं तभी जाहिर सी बात है ट्वीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जब नए नए लोग, जब पुराने लोग जा रहे होते हैं छोड़ के, तो ट्वीट्स कम हो जाते हैं। तो ट्वीट्स देख रहे हो वो बता देता है एक तरह से कि मार्केट किस तरह से ठंडी पड़ रही, और ठंडा ही पड़ना है, यही हमारा मकसद है कि मार्केट पूरी तरह से ठंडी पड़ जाए। ठंडी पड़ेगी तो लोग जो है लोगों की नज़रों में नहीं आएगी, और वेल्थ एक्युमुलेट करेंगे उसी टाइम पर। अच्छा, बिटकॉइन की रिच लिस्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एड्रेसेस के तौर पर दिया गया है कि किसके पास कितने बिटकॉइन पड़े हुए हैं। नंबर वन पे एक्सचेंजेस की वॉलेट आती है, कोल्ड वॉलेट, जिनके पास बहुत बड़े अमाउंट में बिटकॉइन पड़े होते हैं। ये जाहिर सी बात है, ये इसलिए होता है कि कई बार ऐसा होता है हैक हो जाते हैं, कई बार कोई चीज़ होती है, तो इसलिए वो लोग लेकर रखते हैं बिटकॉइन, ताकि एक्सचेंज वगैरह चल पाए, मतलब हैक्स के केसेस में, और अपने रिफंड दे पाएँ, कुछ कर पाएँ, ठीक। तो दो वॉलेट्स, पहली दो तो हमारी एक्सचेंज की कोल वॉलेट है, तीसरी वॉलेट पे बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बनी हुई है। इसके पास कितने हैं, 1,30,000 बिटकॉइन रखे हुए हैं, और टोटल सप्लाई का 0.086825% ये रखे हुए हैं। अच्छा, इसके बारे में खास बात मैं आपको बताऊँ तो इस वॉलेट के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसने आज ही के दिन 24 तारीख को 255 BTC और ख़रीदे हैं, उसके पहले 565 BTC कल ख़रीदे थे, उससे पहले 18 तारीख को 266 BTC और ख़रीदे थे। तो ये लगभग 5 मिलियन 11 मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन 4 मिलियन 10 मिलियन ऐसे की खरीद करता है ये वॉलेट, ठीक।
तो कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ न्यूज़ आर्टिकल में ये आया है कि देखो कि ये जो वॉलेट है, हो सकता है वाइल स्पेकुलेटर्स बिलीव बिटकॉइंस थर्ड लार्जेस्ट वॉलेट इज अ मिस्ट्री वॉलेट, ऑन चेन डेटा सजेस्ट इट्स एन एक्सचेंज। कुछ लोग जो ऑन चेन डेटा जो इसको एनालाइज करते हैं, वो कहते हैं कि ये कोई एक्सचेंज हो सकता है जो जनरली लिस्टेड नहीं है या फिर जिसने बता के नहीं रखा है अपना एड्रेस। तो ये जो एक्सचेंज है, हो सकता है कि कोई एक्सचेंज हो जो रेगुलरली बाय कर रहा हो, हमेशा बिटकॉइन को बाय कर रहा हो, देखो कभी कभी बेच भी रहा है। इसने आज ही 255 बिटकॉइन खरीदे 5 मिलियन डॉलर के। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो व्हेल है, ये हो सकता है सतोशी नाकामोटो, ये हो सकता है कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत ही बड़ा बिलियनर जो इसको रेगुलरली खरीद रहा है, बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहा है। इसके पास टोटल 1,30,000 बिटकॉइंस हैं, तो बड़ी बात है। और एक और वॉलेट की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, वो है 94,000। ये एड्रेस है BC1QA करके। इसके पास 94,643 बिटकॉइंस हैं। और इसके पास बिटकॉइन जो पहला आया था ना, वो यहाँ पर आया था, देखो 2022, आई थिंक ये वाला नहीं है, ये वाला है जो मुझे आपको बताना था। ये है वो बिटकॉइन जिसमें 2010 में 3,700 बिटकॉइन आए थे। और करेंटली इस समय इस वॉलेट में जो बिटकॉइन चल रहे हैं, वो चल रहे हैं कितना, 31,000 बिटकॉइन है। इस वॉलेट में 1 बिलियन डॉलर की वैल्यू थी कुछ दिन पहले, अभी कट गई है। ये क्या करता है कि इसने बहुत ही दिनों से, लास्ट बाई कब खरीदा था, 2025 यानी पिछले महीने खरीदा था, और कुछ बिटकॉइन खरीदे थे, आई थिंक कुछ अमाउंट में बिटकॉइन खरीदे थे। और इसमें नीचे दिखा रहा होगा, आप नीचे आगे देखो, 9,000 बिटकॉइन इसने 2010 को निकाले थे, उसके बाद से एक्टिव नहीं रहा है, ज़्यादातर एक्टिविटी इसमें कुछ नहीं दिखी। तो ये वॉलेट भी कुछ लोग सतोशी नाकामोटो से कनेक्ट करते हैं, उससे रिलेट करते हैं। एक और वॉलेट है ये वाली, ये वही वॉलेट है, इसमें दिखाया है हिस्ट्री में कि 2010 में इसको वॉलेट मिले थे। तो इसको मैंने बैठ के ट्रैक करा तो पता चला कि इसमें जो 50-50 BTC करके भेजे गए, 3,000 BTC, वो जो 50 हैं फाइनली देखो दिखा रहा है न्यूली जनरेटेड, यानी माइनर्स माइन किया है माइनर्स ने इसको। उस समय 50 BTC रिवॉर्ड मिलता था माइन करने का, ठीक, 2010 में, तो 50 बिटकॉइन मिले होंगे, उसने इस अकाउंट को भेजा। ऐसे करते करते कई माइनर्स के अकाउंट ने इस अकाउंट में बिटकॉइन डाले 50। तो हो सकता है कि कई माइनर्स का ग्रुप है जिन्होंने इसको फीस दी थी 50 बिटकॉइन, और या फिर हो सकता है कोई और बात रही हो, पर इसके पास जो बिटकॉइन है वो माइनर से आए, ये तो साफ पता चल रहा है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि रिच लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे वॉलेट है, इसने रिसेंटली यहाँ पर बाय कर रहा है, ये एक बड़ी बात थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। और एक और चीज़ है कि जो ये वॉलेट है, ये भी एक्टिव हो गया था, ये जो ये वाला वॉलेट है जो मैं सतोशी से रिलेटेड बता रहा हूँ, ये भी रिसेंट में एक्टिव हुआ था। तो उसको लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि इस डिप को बाय करा जा रहा है, इस डिप को बड़े बड़े वेव्स जो हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये डेटा इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी है, कौन सी दिखानी है, वो आपको दिखानी है मुझे, आई थिंक हाँ, कॉइन यहाँ पर ले चलता हूँ मैं आपको, क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप पर। वहाँ पर आप डोमिनेंस के चार्ट पे जाओ, तो डोमिनेंस के चार्ट में नीचे की ओर आप चलना, डोमिनेंस का चार्ट, बिटकॉइन डोमिनेंस है ये। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमेशा ये एक चीज़ होती रही है कि जब बेयर मार्केट, बुल मार्केट आती है तो डोमिनेंस गिर जाती है। देखो इस दौरान बुल मार्केट में डोमिनेंस गिर गई, ठीक, उसके बाद डोमिनेंस उठी। ये देखो ऑरेंज लाइन है डोमिनेंस, बता दे रहा हूँ, ऑरेंज लाइन डोमिनेंस है। तो ये डोमिनेंस उठी हुई थी, ठीक, और फिर डोमिनेंस गिरी 2021 में जब बुल मार्केट आई। नेक्स्ट याद रखना बात को, बुल मार्केट आई, और अब हो सकता है डोमिनेंस गिर के फिर से उठने का टाइम आ गया हो इस समय का। इसीलिए कई स्पेकुलेटर्स और मैं खुद ऑल्ट कॉइन्स के गिरने का एक संकेत दे रहे हैं बहुत दिन से, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो गिर सकते हैं। इसलिए बी अवेयर, और अवेयर रहना इस बात से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपने अगर टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। बिटकॉइन की हालात देखें तो बिटकॉइन सिंपल, यहाँ पर देखो चार्ट बनाऊँ आपके सामने, आपको मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट जोन है 19,000 से 18,000, और अभी वॉल्यूम जिस हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है नीचे लुढ़क जाएगा और ऑल्ट कॉइन्स को मौका देगा गिरने का पूरी तरह से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा एंड टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।